तशरीफ फरमा, अल्लाह का बरगोजीदा बंदा तशरीफ फरमा है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा तशरीफ फरमा है। अभी आपके अरशद रजा बरकाती से बहुत ही जबरदस्त और उम्दा जो है आपने मरतबा समाप्त कर दिया, बहुत ऊंचा नजर आ। जो लोग ईमान लाए, एक है ईमान, एक है अकीदा, एक है अकीदत। ईमान को समझ रहे कि ईमान अलग चीज है, अकीदा अलग चीज है, अकीदत अलग चीज है। और इन सारी चीजों का मरकज और चीज, इन सारी चीजों का ईमान का अकीदत का अकीदा का मरकज और महवर है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप नमाज पढ़े अच्छी बात है, आप रोजा रखते हैं अच्छी बात है, आप ज़कात देते हैं अच्छी बात है, साहिब इस्तेआफ़ है और हज को जाते हैं अच्छी बात है, ये शरीयत का कानून है। नमाज अफ़ज़लुल इबादात है, नमाज की कोई नमाज को छोड़ देता है और नमाज को तर्क कर देता है, नमाज का इंकार करके कर देता है कोई बंदा, तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। हम ईमान कैसे लाते हैं, बोलिए, हम ईमान कैसे लाते हैं? तो हम जब ईमान लाते हैं तो पहले पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबह से लेकर शाम तक कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे ईमान मुकम्मल नहीं होगा। सुबह से लेकर शाम तक वही ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, फिर सुबह से लेकर शाम तक कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे ईमानदार नहीं हुआ, ईमान पर नहीं आया। ईमान बोलिए ईमान कैसे बना, बोलिए सुबह से लेकर शाम तक ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से मुसलमान नहीं होता, ईमानदार नहीं होता, मोमिन नहीं होता, जब तक वो मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न ले। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह जरूरी है तब वो कलमा बनता, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा नहीं है, कलमे का एक जुज है जुज, मगर कलमा तब बनता है जब मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आता। बोलिए रसूलुल्लाह का नाम आता है तब कलमा बनता है। जब भी कोई मुसलमान बनता है या मुसलमान होता है या इस्लाम में दाखिल होता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मद रसूलुल्लाह मिलाना जरूरी होता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह मिलाना जरूरी होता है। ये हुआ ईमान, क्या हुआ बोलिए, आप इस्लाम में आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह को आपने इकरार कर लिया, तौहीद का जो इकरार कर लिया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप ईमान ले आए, रिसालत पर आप ईमान ले आए, तो आप मुसलमान हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? मुसलमान आप हो गए, आपने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, आप मुसलमान हो गए। आप मोमिन होने के लिए, अकबर बनने के लिए, अफसर बनने के लिए, रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए और मकबूल होने के लिए और भी सारे काम हैं, और भी सारे काम हैं। देखिए हम उर्स मनाते हैं या नहीं, बोलिए हम उर्स मनाते हैं या नहीं,
ये हमारा पपीता हो, समझ रहे कि नहीं? हम हुजूर को हाजी और नाजिर समझते हैं, ये हमारा पपीता है। अहले अहले सुन्नतों वल जमात का पपीता हुजूर को हाजी और नाजिर जानते हैं। हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ साथ खड़े होकर हुजूर की बारगाह में सलात व सलाम पढ़ते हैं, ये हमारा पपीता है। हमारा क्या है? पपीता है। हुजूर को हाजिर और नाजिर जानते हैं। यहाँ से हुजूर का नाम ले तो मस्जिद नबी में गुंबद खज़रा में हुजूर सुनते भी हैं, उसका जवाब भी है। ऐसे तो मुसलमान दुनिया में बेशुमार, दुनिया ने बेशुमार बना दिखाए। अफ्रीका हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इराक हो, न्यूजीलैंड हो, वगैरह वगैरह, दुनिया में बेशुमार बना दिखाए और बेशुमार मुसलमान रहते हैं। मगर मुसलमान होने के लिए, मोमिन बनने के लिए, रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए इश्के मुस्तफा जरूरी है, इश्के औलिया जरूरी है, इश्के अबू बकर सिद्दीक जरूरी है, फारूक आजम का इश्क जरूरी है, उस्मान अली का इश्क जरूरी है, मौलाए कायनात हसन करीम है, हजरत ख्वाजा हाजी रसूलुल्लाह का इश्क जरूरी है। एक है, अब मैं आपको बताता चलूं, एक है इश्क और एक है मोहब्बत, इन दोनों में फर्क है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि एक है इश्क और एक है मोहब्बत, दो चीजें हुई। इश्क अलग चीज है, मोहब्बत अलग चीज है। इश्क का मकाम और है, मोहब्बत का मकाम और है। मोहब्बत खत्म हो सकती है, इश्क खत्म नहीं होता। मोहब्बत बोलिए, मोहब्बत खत्म हो जाती है, मोहब्बत का वजूद नहीं है। मोहब्बत खत्म हो सकती है, मोहब्बत मिट सकती है, मोहब्बत को इसको नाबूद होना है, मगर जिसके दिल में इश्क हो जाए, बोलिए इश्क का मकाम अलग चीज है, इश्क की जगह अलग चीज है, इश्क का मकामों मर्तबा रिफातों बुलंदी अलग चीज है। हमें सैयद सारे रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत हो जाए, यानी इश्क हो जाए, बोलिए पीर दादा से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? पीर दादा से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? देखिए मोहब्बत भी करते हैं और इश्क भी करते हैं। हुजूर फकीह है इस्लाम मुफ्ती अब्दुल हलीम रजवी अशराफी जियाई से मोहब्बत करते हैं।